क्या है उसमें? बचा हुआ खाना है। ठीक से देख, खाने के बीच कुछ छुपा ना हो। ना, बचा हुआ खाना ही है, कुकड़ दी हड्डियां है। चल आगे देखते। 3 दिन हो गए, अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। अब तक 2 किलोमीटर में 1-1 इंच छान मारा, कुछ नहीं मिला। अब इंस्पेक्टर साहब, ये सर्च ऑपरेशन रुकवा ही दे। उस कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई औरत मिसिंग है? हाँ सर, 2 औरतें 1 हफ्ते से काम पे नहीं आई। उन दोनों औरतों के गांव में अपनी कोई टीम भेजी? सब लोग किसी की शादी में गई हुई। सिंह, इससे पहले कि मीडिया भंगड़ा करे, हमें यह पता लगाना होगा कि वह सर कटा धड़ किस औरत। सर, 3 दिन से कटा हुआ सर ढूंढ रहे डॉक्टर। जमीन आसमान एक कर दिया, पूरा इलाका छान मारा, लेकिन कहीं सर नहीं मिला। जब कटा हुआ सर बॉडी से जुड़ेगा, तब कहीं जाकर इस केस की कड़ियां जुड़ेंगी। किसी लाश का बिना आइडेंटिफिकेशन के मिलना एक ब्लाइंड केस बन जाता है, और ब्लाइंड केस अमावस की रात की तरह होता है, जहां आप कहीं से भी एक सिंगल रोशनी की किरण के लिए भी तरस जाते हैं। पंजाब पुलिस की टीम के लिए 3 दिनों से अमावस की रात चल रही थी, जब सर अलग किया गया एक धड़ एक कंस्ट्रक्शन साइट से पाया गया था। कहो भैया, कहो, कल काम मिला रहा का? काम मिला रहा। अरे हम तो घर में बैठा रहे। कहाँ है? आ तो दिहाड़ी अच्छी मिली भैया। ए हरिया, ए राम प्रसाद, अरे ये नाम जरा कहाँ हो? ये तो कहाँ का पड़ा है? देखो देखो तुम। अरे कहाँ कहाँ? ओ राम, ये तो एक मुंडी नहीं क्या? वो गुलाबी रंग का सूट पहने 28 से 30 साल की एक औरत। इसके आगे हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन कोई भी चांस छोड़ना नहीं चाहिए। एक भी लीड मिले जिससे हम इसकी शिनाख्त कर पाएं और जांच को आगे बढ़ा पाएं। जाहिर सी बात है कि सर को धड़ से इसलिए अलग किया गया था ताकि पीड़ित की पहचान ना हो सके और कातिल कभी ना पकड़ा जा सके। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि अमावस की रात चलती ही जाए और सूरज कभी उगे ही ना? देवजीत सोड़ी, 3 दिन पहले 18 सितंबर को जलंधर के कंस्ट्रक्शन साइट पर लाश मिली थी। उसके 1 दिन पहले मेरी पुत्र भी अपने घर से निकली थी। आखिरी बार अपने पति राजीव जोहल से मिलने। राशि पुत्र, मैं तेरे पापा जी से मिलने जा रही हूँ। आज के बाद सब ठीक हो जाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जाओ। पापा जी, मैं राजीव से सब साफ साफ बात करने जा रही हूँ। आर्या पार, कहाँ मिलने की बात हुई है? घर पर तो नहीं, बाहर ही कहीं मिलेंगे। पुत्र, मैं या तेरी बीजी मिसू के साथ चले? नहीं पापा जी, ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। बस आज आखिरी दिन है इस घुटन भरी जिंदगी का, कल से नई शुरुआत होगी। चलते हो। मेरी पुत्र, मेरी आंच उस दिन के बाद कारण ही लौटी सा। पुलिस कांस्टेबल देवजीत सोडी ने उस लाश की शिनाख्त की थी और उनके अनुसार वो लाश उनकी 29 साल की बेटी आंचल की थी। बिना सर के लाश की शिनाख्त तो हो गई, पर सर का मिलना जरूरी था और उस तक पहुंचने के लिए उस सर को काटने वाले तक पहुंचना जरूरी था। और अब शुरू हुई तहकीकात आंचल के कत्ल के पीछे छुपे राज की। देवजीत सोडी, अभी तक हमें तुम्हारी बेटी का सर मिला नहीं, क्या तुम बता सकते हो कि माजरा क्या है? ये सब आंचल के पति राजीव जोहल का किया करा है साहब। ये राजीव करता क्या है? वो भी मेरी तरह कांस्टेबल है। दोनों के बीच किसी तरह की कोई अनबन थी? आंचल उससे अलग होना चाहती थी, उससे मिलने भी गई थी आखिरी बार। राजीव जोहल का क्या कहना है? झूठा है साहब, 1 नंबर का झूठा है। कहता मेरी बेटी उससे मिली नहीं। उस दिन 17 सितंबर को जब आंचल घर नहीं लौटी, तो मैंने रात को राजीव को फोन किया था। देखो ससुर जी, 3 दफा तो कह चुका हूं आपको कि मेरी आंचल से मिलने की कोई बात नहीं थी, पर ना ही मैं आज उससे मिला हूं। और 6 बार पूछेंगे तो भी यही जवाब दूंगा। देखो राजीव, तुम जितनी बार झूठ बोलोगे मैं उतनी बार पूछता रहूंगा भाई, मेरी आंचल क्या क्या गई थी, वो तुमसे मिलने जा रही है। अच्छा, तो बताओ जरा कहां मिलने की बात हुई थी हमारी? आंचल ने बताया होगा ना? वो तो नहीं बताया, पर कह रही थी कहीं बाहर मिलने वाले हो तुम लोग। देखो ससुर जी, या तो आंचल आपसे झूठ बोलकर कहीं चली गई है, या तो आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अब दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है मुझे नहीं पता,
लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आज आंचल से नहीं मिला। बहुत बड़ी गलती होगी सर, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, जो इस शराबी के हाथ अपनी बेटी का हाथ दे दिया। सोडी, अभी तुमने हमें बताया कि सजीव भी कांस्टेबल है। जी सर, उसका बाप रिटायर्ड कांस्टेबल है, प्रताप जोहर। हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, उसी के भरोसे अपनी बेटी दी थी, पर इसे रजीव ने जीना हराम कर दिया था। मेरी याद चल गई, समझ में नहीं आती ना तेरी, समझ में नहीं आती, हिट मी, समझ में नहीं आती ना तेरी, समझ में नहीं आती। देख भाई, अगर 3 महीने एक बूंद शराब पिए बिना कटेगा ना रजीव, तो हम अपनी बेटी को भेजने के बारे में सोचेंगे। अरे मैं कह रहा हूं ना, हाथ नहीं उठाएगा वो, तू अपने दोस्त पे भरोसा नहीं करता देवजी। और जान दे यार, अगर तू दोस्त होता तो ये हालत ना होती मेरी पुत्र की। पापा जी, वो पिए या ना पिए, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। कर चल आंचल, कम से कम राशि को तो हमें ले जाने दे। नहीं मम्मी जी, राशि मेरे बगैर कहीं नहीं जाएगी। बहन जी आप सोचो, बच्ची बिना माँ के कैसे रहेगी? देखा चल, तो इस तरह मायके में आके बैठ जाएगी तो सारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। आपकी नाक की फिक्र में मम्मी जी, मैं अपना गला क्यों कटवाऊं? राजीव ने तो एक दिन मुझे मार ही डालना है, जानवर है वो, जानवर। देवजीत और आंचल दोनों मिलकर तेरे खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करने वाले थे। वो तो मेरी इज्जत और तेरी नौकरी का ख्याल करते हुए उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। ओए अब तो सुधर जा पुत्र। अरे तो उसको बोलो ना सुधर जाए, इतना गुरूर भरा है कमीनी के सर में, जबान लड़ाती है मेरे साथ 2 टके की औरत। मैं कोई 2 टके का नौकर हूं, पुलिस वाला हूं, पति हूं उसका। जा के माफी मांग ले और ले आओ उसे, जा। इस जन्म में तो ये होने से रहा पापा जी, गलती उसकी है, रेंगते हुए वही आएगी। गलती तो मेरी थी साहब, जो हर बार उसे समझा बुझा कर उसके पति के घर भेज देता था। सोचा था भाई दोनों घरों की इज्जत बरकरार रहे। पुत्र, मेरी पंचायत से बात हो गई है, उसने पंचायत को जबान दी है कि आइंदा हाथ नहीं उठाएगा। ठीक है जी, नहीं उठाऊंगा हाथ। और देख राजू, गल सुन ले, ना हाथ उठावेगा ना बोतल खोलेगा। और क्या क्या करूं, चूड़ी और घाघरा भी पहन लूं? वो चुप कर राजीव। देखो आप सब लोग, नहीं मारूंगा बोल दिया मतलब नहीं मारूंगा, सर आपकी बात को आप लोग बाहर ही रहने दो। और शराब पीने से आदमी हैवान बन जाता है राजीव, और तुझे तो ये बात मालूम होनी चाहिए। मैनू बस इतना मालूम है, 2 बूंद पीता हूँ तो 2 कदम संभलता हूँ, अगर नहीं पिया होता तो कब का उस मुंहफट घमंडी लड़की के साथ कुछ कर दिया होता। सच कह रहा हूं, शराब बचाती है उसे मुझसे और मैनू अपने आप से। पुत्र, मैं तेरे दर्द को समझ सकता हूं, पर जरा दूर की सोच, राशि की सोच। देख, तेरा घर आखिर में तेरे पति का घर है पुत्र। उस घर में आपकी बेटी को मार काट दिया जाए तो भी वही उसका घर है पापा जी। ऐसा कुछ नहीं होगा पुत्र, उसने उसने पंचों के सामने वादा किया है। वादे तो उसने रब के सामने भी किए थे, अग्नि को साक्ष्य मान के बहुत से वादे किए थे उसने, पर जब उसने वो वादे नहीं निभाए तो पंचों के सामने किए वादे वो क्या निभाएगा पापा जी। और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं ऐसे आदमी के पास वापस चली जाऊं। मेरी बेटी ने ठीक कहा था साहब, ये राजीव ना भरोसे के लायक है और ना माफी के, ये कुत्ते की दुम और हैवान की नीयत कभी सिद्धि नहीं हो सकती साहब। मैं नहीं जाऊंगी उस घर में वापस। और पापा जी, अगर आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं तो मैं राशि को लेकर कहीं और चली जाऊंगी, पर उस राक्षस के साथ मैं एक पल और नहीं रह सकती। मैंने सोच लिया कि मुझे उससे तलाक चाहिए और मैं ये तलाक लेके रहूंगी पापा जी। मुझे भी लगा साहब,
भाई इज्जत के नाम पर मेरी बेटी को इतना दर्द क्यों मिले? मैंने कहा रह ले पुत्र, यहीं रह ले, और सोचा कि जो भी बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगा अपनी आंचल के लिए, राशि के लिए। उस दिन 17 सितंबर को आंचल राजीव से मिलकर ये रिश्ता पूरी तरह तोड़ने वाली थी, अपने तलाक की बात करने वाली थी। राशि पुत्र, मैं तेरे पापा जी से मिलने जा रही हूँ। कहाँ मिलने की बात हुई है? घर पर तो नहीं, बाहर ही कहीं मिलेंगे। पुत्र, मैं या तेरी बीजी मिसू के साथ चले? नहीं पापा जी, ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। पर उस आदमी ने बात बात करने की बजाय मार डाला मेरी बेटी को। उसे इसी बात का डर था और वही हुआ, गला काट दिया उसने मेरी बेटी का, गला काट। सर, आंचल का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। लास्ट लोकेशन धीलपुर बता रहा है। सब ये राजीव उसी धीलपुर थाने में कांस्टेबल है। सोडी, हम तुम्हारी बेटी के कातिल को ढूंढकर ही दम लेंगे। अब तुम भी हमारी फोर्स के और तुम्हारा दामाद राजीव भी हमारी फोर्स के। कोई दामाद मोबाद नहीं सर, कौन सा दामाद सर? मेरे लिए वो बस मेरी बेटी का कातिल है, खूनी है और कुछ नहीं है। अगर खून उसी ने किया है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ सोडी, उसके साथ जरा से भी नरमी नहीं बरती जाएगी, भले ही वो हमारी फोर्स का क्यों ना हो। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल प्रताप जोहल सर। बेटा कहाँ है आपका? जी वो नाइट ड्यूटी थी ना, तो इस वक्त सोया हुआ है। जोहल साहब उठाइए उसे, आज के बाद नींद उसे मुश्किल से नसीब होगी। क्लॉक काट के अलग कर दिया, छुपा दिया कहीं, मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया, वो भी छुपा दिया। क्रिमिनल्स को पकड़ते पकड़ते उनके तरीके भी सीख गया राजीव। साहब बार बार यही कहूंगा, मैं उस दिन अपनी पत्नी आंचल से मिलया ही नहीं। तेरे ससुर, वो भी हम दोनों की तरह पुलिस वाले हैं, झूठ बोल रहे हैं वो। हाँ झूठ बोल रहे हैं वो। साहब अगर आप ये सोच सकते हो कि एक पुलिस वाला कत्ल कर सकता है, तो आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि एक पुलिस वाला झूठ भी बोल सकता है? कांस्टेबल राजीव, मैं बस इतना जानता हूं कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन लाशें नहीं। नहीं साहब, है आंचल नहीं है। आंचल के माँ बाप जिन्होंने इसे पैदा किया, उनका कहना है कि उन्हीं की बेटी है, और 17 तारीख को उनके घर से ये सूट पहनकर निकली थी आंचल तुमसे मिलने, और यही सूट हमें इसके शरीर से मिला। ससुर जी कुछ भी बोले, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ए धड़ मेरी बीवी का नहीं है। मैं अपनी बीवी को अच्छे से पहचानता हूँ, एक बाप से भी बढ़कर। 8 साल से पत्नी है वो मेरी, उसको सर से पैर तक मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचान सकता। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं, है आंचल दी लाश नहीं है। अब इस केस में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया था। लाश की शिनाख्त करने वाले कांस्टेबल देवजीत सोडी और उनकी पत्नी विशाखा ने आइडेंटिफाई किया था कि बिना सर की लाश उनकी बेटी आंचल की है, लेकिन आंचल का पति कांस्टेबल राजीव जोहल पूरे दावे के साथ कह रहा था कि यह लाश उसकी पत्नी की नहीं है। क्या था यह माजरा? कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ? कौन कौन शामिल था इस साजिश में और क्या थी ये साजिश? इस तरह का गुलाबी सूट दुनिया में एक ही तो नहीं है ना। आप गांव में जाइए, हर दूसरी लड़की के पास ऐसा सूट मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं साहब, इस गुलाबी दाल में कुछ बहुत ज्यादा काला है साहब। सब कमाल की बात है, आप हम पर शक कर रहे हैं? आप गुलाबी सूट यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? वही सूट पहनकर तो मेरी बेटी गई थी राजीव से मिलने। राजीव झूठा आदमी है साहब, एक नंबर का झूठा आदमी है वो बहका रहा है आपको साहब, बहका रहा है आपको।
साहब साहब मेरा बेटा गरम दिमाग का जरूर है, थोड़ी सी पी भी लेता है, पर साहब अपनी बीवी का खून कभी नहीं करेगा वो, मेरा यकीन कीजिए ऐसा नहीं कर सकता वो। सर दोनों घरों को छान मारा, पिंक सलवार सूट कहीं नहीं मिला। सर मुझे लग रहा है ये राजीव जोहल हमें गोली दे रहा है। अभी तक हमें लाश का सर भी नहीं मिला है सिंह। सर पेरेड से शिनाख्त की, गलत होने के चांसेस काफ़ी कम है। राजीव काफ़ी चालाक लग रहा है, फोर्स का आदमी, इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के कई पैंतरे जानता होगा सर। लेकिन वो ये नहीं जानता कि सच ढूंढने में जो ताकत लगती है वो सच छुपाने की ताकत को बाएं हाथ से हरा सकती है। हमने तेरे खिलाफ FIR दर्ज किया राजीव। 302 लगाया होगा साहब। 302 हत्या करने के लिए और साथ में 201 भी सबूत गायब करने के लिए। अब आप जो ठीक समझें कीजिए साहब, पर इतना समझ लीजिए ये FIR आप खारिज करेंगे ही करेंगे, मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा आपको। पता है क्यों साहब? क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है साहब। सर राजीव हमारा दोस्त है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता। दारू पी के पीटता जरूर था आंचल भाभी को, लेकिन राजीव उसके आगे नहीं जाएगा सर। बंदे को सर्विस और नौकरी की काफ़ी चिंता है सर। सर अब मानो या ना मानो, लेकिन किसी जमाने में वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। राशि बेटा आओ खाना खा लो। नानी माँ क्या सच में पापा ने मम्मी को मार दिया? साहब मैं मानता हूँ मैं बहुत पीता था, मैं भी मानता हूँ कि मैंने कई बार उसको पीटा भी है। आंचल को पहले से ही डर था कि किसी दिन तू उसे जान से मार डालेगा, जो उसके साथ हुआ भी। नहीं साहब ये सच नहीं है, मैं हमेशा से इतना पीता नहीं था और ना ही मैं हमेशा से उसे इतना पीटता था। एक बार पूछा आपने देवजीत जी से कि राजीव जोहल ऐसा क्यों बना? अच्छा तो मतलब तेरे पास पीने के लिए और पीटने के लिए कारण भी है। नया एंगल सही जा रहा है राजीव, गुड गोइंग। साहब है कोई झूठा एंगल नहीं है, लेकिन शायद आप लोगों को इसके बारे में कभी किसी ने बताया नहीं होगा। कौन सी बात बोल। दिनेश पन्नू। ये साइकिल रिक्शा वाले दिनेश पन्नू का तेरी बीवी के मर्डर से क्या ताल्लुक है? साहब यही तो जड़ है मेरी और मेरी पत्नी के बीच इतनी नफरत की। ऐसा क्या किया इसने? क्या नहीं किया साहब ये पूछो। चोरी की है इसने, बहुत बड़ी चोरी। कैसी चोरी? इसने मुझसे मेरी पत्नी को चुराया है साहब। और अब तू मुझसे अपनी नजरें चुरा रहा है, एक के बाद एक नया झूठ, झूठों का मोर्चा खोल रहा है कि कहीं तेरी चोरी पकड़ी ना जाए। सचिव ऐसा तो होने से रहा, और यह गलत तू भी कहीं ना कहीं अंदर से अच्छी तरह से जानता है। दिनेश पन्नू? नहीं साहब ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। राजीव का कहना है कि आपकी बेटी आंचल का किसी साइकिल रिक्शा चलाने वाले दिनेश पन्नू के साथ कोई चक्कर चल रहा था। जी करता है इतने जूते मारू मैं इस राजीव को, झूठा साला बदनाम कर रहा है मेरी बेटी को वो। साहब एक नंबर का बेशरम कमीना आदमी है ये। देखिए हमारी बहू आंचल लगभग रोज ही बाजार जाती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, पर बड़ी बन ठन के जाती है। अच्छा वही रिक्शा वाले के साथ? वो तो कभी ध्यान नहीं दिया। दिनेश पन्नू का नाम सुना है? कौन है ये? राजीव तेरे खुद के माँ बाप ने भी कभी इस दिनेश पन्नू का नाम नहीं सुना है। तो इसका यह मतलब तो नहीं साहब कि दिनेश पन्नू है ही नहीं? मैंने अपने माँ बाप को कभी नहीं बताया, शर्म आती थी मैनू साहब, पर मैं उन्हें परेशान करना भी नहीं चाहता था। क्या नहीं बताया तूने अपने माँ बाप को? यही साहब कि जब भी मैं नाइट ड्यूटी से घर पहुंचता
बेवक्त आता कभी, तो आंचल घर पे कभी होती ही नहीं थी। बेटा मम्मी कहाँ है? मम्मी तो मार्केट गई है। और तुम नहीं गई मार्केट? मुझे कभी नहीं लेके जाती मम्मी। क्यों गई है का क्या मतलब पुत्र? बाजार कोई क्यों जाता है? कुछ चीजें खरीदने गई होगी। आजकल कुछ ज्यादा ही खरीदारी हो रही है। मैं भी तो जानू क्या शॉपिंग होती है मेरे पीठ पीछे। जब भी घर आता हूँ तू बाहर होती है। अब क्या पता तू बाजार गई है या किसी के बिस्तर पे। क्या मतलब? कितना भद्दा इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? राजीव प्लीज छोड़ दो मुझे। साहब वो मुझसे सच छुपा रही थी, चक्कर चल रहा था उसका और मैंने उसका चक्कर पकड़ लिया। साहब जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस गुलाबी दाल में कुछ काला है तो वो काला दिनेश पन्नू है। राजीव तू चाहे जितना मिर्च मसाला पिरो ले, तड़का लगा ले, लेकिन तेरी झूठ की दाल थाने में तो गले से रही। और तने कई बार देखा होगा कि लोकअप में बड़े बड़े छठे हुए क्रिमिनल गल जाते हैं, घुटनों के बल आ जाते हैं। अब बारी तेरी है राजीव। दिनेश पन्नू नाम का कोई रिक्शा चलाने वाला है यहाँ? साहब यहाँ ड्राइवर तो बहुत है, कुछ दोस्त हैं कुछ अजनबी, पर दिनेश पन्नू ये नाम मैंने कभी नहीं सुना। किसी दिनेश पन्नू को जानते हो रिक्शा चलाता है? जी नहीं साहब, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। नहीं साहब मैं किसी दिनेश पन्नू को नहीं जानता। सर दिनेश पन्नू का नाम तक किसी ने नहीं सुना। क्योंकि दिनेश पन्नू कोई है ही नहीं, ये सिर्फ राजीव के शातिर दिमाग की वजह। साहब दिनेश पन्नू की खबर मैं नहीं रखता तो कौन रखता? मेरी बीवी का चक्कर चल रहा था तो मैंने उसकी पूरी कुंडली खोल डाली। आखिरकार हूं तो पुलिस वाला ना साहब। राजीव तू इस वक्त यहां कोई पुलिस वाला नहीं है, बल्कि हमारे लिए सिर्फ एक सस्पेक्ट है, समझा? और तू जो हमें ये मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है दिनेश पन्नू की, इसका कोई सबूत वबूत है तेरे पास? सबूत है ना साहब, मेरी बेटी। एक बारी खुद उसने मुझे बताया था कि उसकी माँ यानी मेरी पत्नी आंचल दिनेश पन्नू नाम के आदमी के साथ बाहर गई है। बेटा तेरी मम्मी फिर से बाजार गई है? हाँ। कब गई? जब वो दिनेश पन्नू आया था ना तब गई। कौन आया था? दिनेश पन्नू। ये कौन है? ये आप तो जानते हो साहब, बच्चे नादान होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे याद नहीं आ रहा अंकल। राशि पुत्र डरो मत, आपने अपने पापा को बताया था दिनेश पन्नू नाम था। दिनेश पन्नू साइकिल रिक्शा चलाता है, पुत्र ठीक से याद करके बताना। मुझे याद नहीं आ रहा। ये सब कुछ राजीव आपको बहकाने के लिए कर रहा है, बड़ा चलाक आदमी है वो, वक्त बर्बाद कर रहा है आपका। यार राजीव कुछ किया हो तो तू बता दे। यार तूने सच में आंचल भाभी का कत्ल किया है क्या? मैंने आंचल को नहीं मारा यार, ये लोग कोई गेम खेल रहे हैं मेरे साथ, मैंने फंसाने के वास्ते। सर लाश बिना सर के पाई गई है, मौत चूहे के जहर से हुई है। विक्टिम के पिता हेड कांस्टेबल देवजीत सोडी और उनकी पत्नी विशाखा ने लाश को आइडेंटिफाई किया है और यह भी बताया है कि लाश पर जो ड्रेस थी एक गुलाबी सलवार सूट, वो सूट आंचल 17 सितंबर को अपने घर से पहनकर निकली थी, यह बताकर कि वो राजीव से मिलने जा रही है कहीं बाहर। इसलिए हम इस कोर्ट से पुलिस कस्टडी की मांग करते हैं ताकि पुलिस
राजीव को इंटरोगेट कर सके और कटा हुआ सर और मर्डर वेपन ढूंढ सके। सर, मेरे क्लाइंट कांस्टेबल राजीव जोहल को सिर्फ शक के बेसिस पर अरेस्ट किया गया है और इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं पाया गया, इसलिए मैं कोर्ट से अपील करता हूं कि इनका अरेस्ट ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए और इन्हें घर जाने दिया जाए। राजीव को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है और डिफेंस चाहें तो उसके लिए बेल की अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ना देखो, बेल हुई है मैनू, बेल। यहाँ क्यों आए हो तुम? मेरी बेटी राशि है तुम्हारे पास, उसे लेने आया। राशि कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी वो। अगर कोर्ट जाऊं तो अंदर जाएंगे आप मेरी बेटी को जबरदस्ती मुझसे अलग करने के चार्ज में। ओए, कोर्ट की धमकी मत दे मुझे। तू अच्छी तरह जानता है तू खूनी है, कत्ल किया तूने मेरी बेटी का और अब शायद राशि का भी कत्ल करेगा तू। और ये दिनेश पन्नू वन्नू कोई नहीं है, सब तेरी मनगढ़ंत कहानी है। बकवास बंद, राशि को बुलाइए। जब तक केस क्लोज नहीं होता तू सस्पेंड ही रहेगा। जानता हूं यार, सोच रहा हूं खेतों में ध्यान दूं, कम से कम दो पैसे तो कमा लूंगा। अजीत और मैं फटिंडा जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। 8 महीने की ट्रेनिंग है। देख राजीव, लाश का सर नहीं मिला और तेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं, केस तेरे फेवर में जानी है। ये तो मैं पहले से ही कहता आया हूँ यार, ये लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। बस तो कितना है कि सर्विस रिकॉर्ड खराब हो गई और तनख्वाह नहीं मिल रही, वो नुकसान अलग। यार राजीव, दोस्ती में ही बता दे, तूने भाभी को मार डाला ना? और वो दिनेश पन्नू वाली बात झूठ है ना? वो भी नहीं यार, ये सब सच है। दिनेश पन्नू नम का आदमी है और मैंने आंचल को नहीं मारा। यार दोस्त हो यार तुम लोग मेरे, तुम लोग तो भरोसा करो मेरा। सर 4 महीने हो गए, अभी तक इस केस में कोई ब्रेकथ्रू नहीं मिला, कोई भी ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जो इस राजीव जोहल के खिलाफ सबूत बन सके। अपनी ही फोर्स का है, बचने के सारे तरीके जानता है, बहुत सोच समझ कर उसने ये गेम खेला है, लेकिन हर गेम में जीतने वाला कभी ना कभी हारता भी है। एक कत्ल हुआ है और कातिल अभी तक आजाद है, लेकिन बहुत जल्द हम इस बिना सर वाली लाश के कातिल को ढूंढ कर रहे हैं। आचल, आचल। रॉन्ग नंबर है जी, यहाँ कोई आचल नहीं रहती। इतना भी वक्त नहीं बीता आचल कि मैं तुम्हारी आवाज़ भूल जाऊँ या तुम मेरी आवाज़ भूल जाओ। बकवास मत करो, सच को बकवास कहने से सच बकवास नहीं होता। मैनू पता है तुम ही आचल हो, पर मैं तुम्हारा पति राजीव बोल रहा हूँ, कॉन्स्टेबल राजीव जोहल, तुम्हारी बेटी राशि जोहल का पापा। अब तुम्हें मुझसे क्या काम? इतने दिनों बाद क्यों फोन किया मुझे? और मेरा नंबर तुम्हें कहां से मिला राजीव? पुलिस को एक 29 साल की औरत का बिना सर का धड़ मिला, जिसकी शनाख्त की थी उसके माता पिता ने कि यह लाश उनकी बेटी आंचल की है, कांस्टेबल राजीव जोहल की अलग हुई पत्नी। अंतिम संस्कार के 8 महीने बाद इस मर्डर के आरोपी सस्पेंडेड कांस्टेबल राजीव जोहल ने अपनी मर चुकी पत्नी आंचल से संपर्क किया।
पर आखिरकार ये कैसे हो पाया था? चल रुक 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 क्या हुआ? वो अपने राजीव की पत्नी आंचल भाभी है ना? हाँ यार, वो तो आंचल भाभी लग रही है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर, चल चल देखते हैं। हट यार, हटना। वो मैं आपको क्यों बताऊं? आप है कौन? वो सब वो मैं उसका नाम वाम नहीं जानती, बस चूड़ियों के रेट जानने आई थी। वो अक्सर आती है क्या? जी नहीं, आज पहली बार ही देखा उसे। यार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो आंचल भाभी ही थी, लेकिन वो दुकान वाले तो कहते ही उसे जानती नहीं है और पहले भी कभी देखा नहीं। क्या बकरा है बे? कसम से राजीव, सूरत ने भी देखा। हम दोनों दावे के साथ कह सकते हैं कि वो आंचल भाभी ही थी। अभी तो पीछा क्यों नहीं किया उसका? कर सकते तो नहीं करते क्या? एक तो शौक सेटल होने में टाइम लग गया और वो एकदम से गायब हो गई। ढूंढो यार, कैसे भी उसे ढूंढो। क्या बात है पुत्र, वे क्यों हो यार? कुछ नहीं पापा जी। अरे कुछ बताएगा अभी, माजरा क्या है, किसका फोन था? बस इतना समझ लो पापा जी, मेरा सस्पेंशन बहुत जल्द खारिज होने वाला है। अब तू ये मुझे कौन सी नई स्टोरी सुना रहा है राजीव? आंखों देखी है साहब, और वो भी मेरी नहीं, कांस्टेबल अजीत और कांस्टेबल सुजत ने अपनी आंखों से देखा उसे भटिंडे में। वो लोग वहां ट्रेनिंग के लिए गए, उन्होंने उसे बाजार में देखा और मैंने तुरंत फोन किया। सर, अजीत और सुजत दोनों से बात हुई है, दोनों का यही कहना है कि उन्होंने आंचल को ही देखा। साहब मैंने आपसे उस वक्त ही कहा था जब मैंने वो लाश देखी थी, वो आंचल की नहीं थी। जिस औरत को कांस्टेबल अजीत और सुजत ने देखा भटिंडा में, अगर वो वाकई में आंचल है तो मैं उसे तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कत्ल हुआ तो था और एक लाश का क्रियाक्रम भी हो चुका है। अब हम इस बिना सर वाले केस का सर पैर सीधा करेंगे, क्योंकि इस केस में मुझे एक जबरदस्त साजिश का साया नजर आ रहा है। मैंने शक है कि आंचल ने ही कोई गेम खेला है। आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, पर मैं अभी आपसे फिर से कह रहा हूँ, दिनेश पन्नू नाम का साइकिल रिक्शा वाला है और उसका मेरी बीवी के साथ चक्कर था। राजीव, इस चक्कर के चक्रव्यूह में हम तभी घुस पाएंगे जब हम आंचल तक पहुंच पाएंगे, वो भी खुफिया तरीके से। आंचल के किसी भी करीबी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हमें पता है आंचल जिंदा है और हम उसका पीछा कर रहे हैं। पुलिस ने अपनी सारी ताकत उस औरत तक पहुंचने में लगा दी जिसे कांस्टेबल अजीत और सुजत ने भटिंडा की मार्केट में देखा था। पुलिस को यह पता लगाना था कि भटिंडा में उसका एड्रेस क्या था और वो किसके साथ रह रही थी, और फिर एक बार टेक्निकल सर्विलेंस ने वो एकमात्र सुराग पेश किया जो पुलिस को आंचल तक ले गया। सर, हमने जो चांस लिया था वो काम कर गया। आंचल के इंस्ट्रूमेंट का IMEI नंबर ट्रैक हुआ। हाँ सर, और उसका फोन भटिंडा में यूज हो रहा है और उसमें एक नया सिम कार्ड है 4445678 75। ये भी तो हो सकता है कि उसका इंस्ट्रूमेंट कोई दूसरा आदमी यूज कर रहा हो। सर भटिंडा में जहाँ अजीत और सुजत ने उसे देखा था, इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? सर सिंह एक काम करो, राजीव को बुलाओ और उससे कहो कि इस नंबर पर फोन करें। सर जरूर फोन करूंगा साहब, और अगर उस तरफ आंचल हुई
तो उसको आपके सामने पेश करना मेरी जिम्मेदारी। उम्मीद करता हूं कि तुम इस साजिश में शामिल नहीं। अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम हमारे साथ कोई डबल गेम खेल रहे थे तो तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो कि मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगा। पूरे होश और ईमानदारी से कहते आया था कि वो लाश आंचल की नहीं है और मुझ पर लगाए गए सारे इल्जाम गलत है। आपसे ज्यादा तो मैं चाहता हूं कि ये केस क्लोज हो जाए और असलियत बाहर आए। अब तुम्हें मुझसे क्या काम? इतने दिनों बाद क्यों फोन किया मुझे? और मेरा नंबर तुम्हें कहां से मिला राजीव? पुलिस वाले की बेटी होकर भी भूल गए कि एक ना एक दिन पकड़ी जाओगी। मैं सारी बुरी यादें भुला चुकी हूँ। लेकिन मैंने बुरा फंसा चुकी हूँ। जुर्म तुमने किया और मुकदमा मुझ पे चल रहा है। मैंने कोई जुर्म वुर्म नहीं किया है, समझे? मैं सिर्फ आजाद हुई हूँ तुम्हारे कैद से और सालों के बाद चैन की सांसें ले रही हूँ। किसके साथ हो रहा है चैन की सांसों का प्राणायाम? वही साइकिल रिक्शा वाला दिनेश पन्नू। देखो, मेरी जिंदगी से तुम्हारा कोई ताल्लुका नहीं और ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें छोड़ा है। मेरी बदनसीब बच्ची की माँ हो तुम, उसे भी छोड़ दिया? इतनी भारी भूख लगी है शक की। चुप करो। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं राशि से दूर हूँ। तो मेरी वजह से ही वापस आ जाओ उसके पास। तुम भी क्या याद करोगी? माफ किया तुझे। तू मुझे क्या माफ करेगा घटिया आदमी? इस जन्म में तो मैं तेरे पास आने से रही। तुम आओ या ना आओ, मैं आ रहा हूँ। और अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट होगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरती। डरती नहीं तो भाग क्यों रही हो? लौट आओ आंचल, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बेटी है राशि। रोज रो रो कर सोती है तुम्हारी याद में, कहती है एक दिन मेरी माँ जरूर लौट आएगी। मैं उसे अकेला नहीं संभाल सकता आंचल। तुम्हें आज़ादी चाहिए, मैं तलाक दे दूंगा। लेकिन उसे अपने साथ रख लो, वो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। साहब, मेरी बीवी आंचल कल लौट रही है। हमारी बच्ची राशि का वास्ता देकर जीत लिया उसका मन, वो कल अपने मायके लौटेगी। सिंह, अब कल हम इस मर्डर केस का नया अध्याय खोलेंगे। अब पता चलेगा कि वो लाश किसकी थी जिसका सर कटा था। जिसकी लाश की शिनाख्त की गई थी, जिसका अंतिम संस्कार किया गया था, वही आंचल अब लौट आई थी। अपने अतीत के साए से दूर छुपी बैठी आंचल अपनी बेटी राशि का वास्ता दिए जाने पर पिघल गई थी। इस मर्डर केस में काफी ड्रामा अभी बाकी था। वो औरत कौन थी जिसे चूहे मारने का जहर देकर मारा गया था और फिर सर काट कर धड़ छोड़ दिया गया था पुलिस के लिए? कौन था इस कत्ल के पीछे? क्या राज था इस ब्लाइंड केस का? लगता है लत लग गई है तनु साडी गीता दी। इश्क अगर लत है तो समझो लत है। तेरे जैसों की जुबान से ना ये जो इश्क शब्द है ना, बहुत ही घटिया लगता है। चल जा, वसूल ले अपने 2000 का इश्क। थैंक यू। तू मेरे बिना रह नहीं सकता ना, तो हमेशा के लिए मुझे उड़ा के ले क्यों नहीं जाता यहाँ से? अभी तेरा नशा उतना चढ़ा नहीं है जाने मन कि तेरे साथ उड़ने उड़ने की सोचूं। चल मूड बना, आ जा। सोडी, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को काफी शौक लगा होगा ना आंचल को जिंदा देखकर। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा साहब।
लेकिन हमें इतना बड़ा शौक नहीं रहा क्योंकि हमें पिछले 5 दिन से मालूम था कि आंचल जिंदा है। अब तो आंचल ही हमें बताएगी कि वो औरत कौन थी जिसका इसने कत्ल किया है। सर, मैंने किसी का कत्ल वत्ल नहीं किया है। तुमने किया है आंचल, तुमने अपनी मौत का नाटक करने के लिए एक औरत को जहर देकर मार डाला, फिर उसको अपने कपड़े पहनाए और उसका सर थर से अलग कर दिया। ये सच नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने जीते जी अपने माँ बाप और अपनी बेटी को मार डाला है दुख से, और कह रही हो कि तुमने किसी को नहीं मारा। अब जल्दी से बोल दो वो औरत कौन थी। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर तुम्हारे माँ बाप को जरूर मालूम होगा, शायद वो भी मिले हुए हैं इस साजिश में तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के साथ। मेरा प्रेमी? ये क्या कह रहे हैं आप? दिनेश पन्नू। मेरे मुंह से दिनेश पन्नू का नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे का ये रंग क्यों उतर गया? हाँ चल, तुम्हारी खैरियत इसी में है कि जल्दी से हमें बता दो औरत कौन थी और उसके कत्ल के पीछे कौन है। मैं बार बार आप लोगों से कहता रहा कि मैंने आंचल को नहीं मारा, लेकिन आप लोगों ने साजिश की मैनू फंसाने की। कोई नहीं, अभी थोड़ी देर में सारा सच बाहर आएगा। आपने पूरी दुनिया से बात मनवाई कि चूंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ, ये सारा गेम मैंने खेला है अपनी बीवी का कत्ल करने के लिए, और किस तरह मैंने बिना सुराग छोड़े ये कत्ल कर दिया। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मैं भी एक पुलिस वाला हूँ, इतनी आसानी से तो नहीं फंसूंगा। और खुद एक पुलिस वाला होने के नाते आपने भी खूब खेला, गलत लाश की जानबूझकर शिनाख्त की। बहुत बड़ा धोखा किया है आपने अपनी वर्दी के साथ, मेरे साथ। सजा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये राजीव क्या कह रहा था जी? झूठा है। लेकिन आप तो सच्चे हो ना? सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तुम्हारा पिंक रंग का सूट पहनकर मरी। बोले सूट तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने इसी सूट को देखकर कहा था कि ये तुम्हारी लाश है। तुम ना इस केस में यहां तक डूबी हुई हो, यहां तक। अगर सच बोल दोगी तो पूरा डूबने से बच जाओगे। आखिरी मौका है तुम्हारे पास, जो भी सच है बोल दो। सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि किसे मारा गया है। उस दिन 17 सितंबर को तुम अपने माँ बाप से कह के गई थी कि राजीव से मिलने जा रहे। पापा जी, मैं राजीव से सब साफ साफ बात करने जा रही आर्या पर। लेकिन राजीव से तुम मिली नहीं, फिर किससे मिलने गई थी? प्लान क्या था तुम्हारा? सर, मैं राजीव और उसकी आदतों से पूरी तरह से थक गई थी। मैं उससे अलग होना चाहती थी, लेकिन मम्मी जी और पापा जी बार बार मुझे उसी के पास धकेल देते थे। और तुम अपने आप को किसी और के पास धकेल रही थी? मैं अपने आप से ही खुद को धकेल रही थी। सर, मुझे प्यार होने लगा था, हो गया था। मुझे एक नई जिंदगी चाहिए थी, खुली ताजी आजाद जिंदगी। ये शादी मेरे और राजीव के बीच नहीं, मेरे पापा जी और राजीव के पापा जी के बीच है। क्या मतलब? दोनों पुलिस वाले हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये शादी उनकी इज्जत है। वो मुझे राजीव से कभी अलग नहीं होने देंगे। और अगर अलग हो गई तो शादी करोगी मुझसे? क्यों झूठे सपने दिखा रहे हैं? सपने दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा सपना सच होने वाला है आंचल। तो दिनेश पन्नू राजीव के दिमाग की मनगढ़ंत उपज नहीं है। साहब, दिनेश पन्नू की खबर मैं नहीं रखता तो कौन रखता? मेरी बीवी का चक्कर था तो मैंने उसकी पूरी कुंडली खोल डाली। सर, मैं 17 सितंबर को दिनेश के साथ अपने घर वालों से झूठ बोला, अपनी बच्ची से झूठ बोला। सर, और कोई चारा नहीं था मेरे पास। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई आंचल, बेहतर है कबूल कर लो। सर, मैं बस उस घर से निकल गई थी, मुझे और कुछ नहीं पता। आंचल, ये केस तुम्हारे कत्ल का केस है, पर तुम तो जिंदा हो। ये केस इस सच पर खड़ा है कि वो जो लाश मिली, जिसकी शिनाख्त हुई, जिसका क्रियाकर्म हुआ, ये समझकर कि वो तुम हो, पर तुम तो इस वक्त जिंदा हो। इसका एक ही मतलब निकलता है आंचल, कि किसी ने तुम्हारी मौत का नाटक रचा। देखिए, मुझे किसी नाटक वाटक के बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे मालूम या ना मालूम होने से कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंचल।
तुम पूरी तरह से फंस चुके हो और यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। जो भी सच है बोल दो, सिर्फ सच। एक बात साफ थी कि आंचल की मौत की साजिश रची गई थी, लेकिन वो औरत कौन थी जिसकी बिना सर की लाश को आंचल करार दिया गया था? एक नई जिंदगी की शुरुआत, एक दर्दनाक रिश्ते से छुटकारा। आंचल ने अपनी जिंदगी की दूसरी इनिंग्स की शुरुआत एक जुर्म के साथ की थी, मर्डर जैसे संगीन जुर्म के साथ। क्या आंचल के लिए इस जुर्म के साए से बच निकलना किसी भी एंगल से संभव था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्राइम नेवर पेज। आओ गीता, आ जाओ। तो आज तक पिंजरे में कैद थी, अब इस घोंसले में आजाद रहेगी। मुझे मालूम था एक दिन तुम मुझे रिहा जरूर कराओगे, किसी भी कीमत पर उड़ा के ले आओगे मुझे। तेरी फ्लाइट की टिकट 50,000 की पड़ी है, तेरी मैडम का चेहरा अब तू कभी नहीं देख पाएगी। ये लो रेशमा भाई, पूरे 50,000 हैं। चाहत को इश्क समझने की गलती मत करो केवल साहब। और इस कसाई खाने को कोटा समझने की गलती मत करो रेशमा भाई। हर रात चार चार लोगों से कटती थी यहाँ, हाँ बकरी सिर्फ तुम्हारे हाथों कटेगी, क्या फर्क पड़ता है? तो ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ। केवल मुझे आजादी की आदत लगने में कुछ दिन लगेंगे। अब तू अपनी मर्जी की मालकिन है। मैं ये सपना देखने से भी कतराती थी, पर तुमने इसे सच कर दिया। मैं तुम्हें जिंदगी भर बहुत प्यार करूंगी, तुम्हें पूरी जिंदगी मिलेगी मेरी। मैं नहीं जानती कि वो लड़की कौन थी। सारा प्लान दिनेश ने बनाया था, उसने बस इतना ही कहा था कि वो सब ठीक कर देगा। पता नहीं रात तक जब घर नहीं पहुंचूंगी तो मम्मी जी और पापा जी का क्या हाल होगा। पापा जी तो मिसिंग कंप्लेन करवाने ही पहुंच जाएंगे। तो करने दो ना मिसिंग कंप्लेन, तुम उन्हें मिलोगी लेकिन जिंदा नहीं। ये क्या कह रहे हो दिनेश? देखो मेरे पास एक प्लान है, चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी। सारी दुनिया समझेगी कि तुम मर चुकी हो, लेकिन असल में तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी, और वो कमीना राजीव सड़ेगा बाकी जिंदगी। आंचल, तुम्हारे आधा सच बताने से तुम्हें आधी रिहाई नहीं मिल जाएगी। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हें मरा हुआ दिखाने के लिए किसी को सच में मार डाला जाए। तुम्हारी नई जिंदगी की नींव किसी मासूम की कब्र पर होगी। मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम था सर, मैं तो बस दिनेश के साथ गई थी। हम भटिंडा पहुंचे और वहां पहुंचकर उसने अपने किसी दोस्त को फोन किया। सुन, आज रात को 8 बजे मिलते हैं हाई वाले ढाबे पे। ठीक है ठीक है। आंचल तू कपड़े बदल ले और ये वाला सूट मुझे पैक करके दे दे। बस मुझे इतना ही मालूम है कि दिनेश ने मेरा सूट किसी और को दिया था। किसको दिया था? मैं नहीं जानती, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये सब कुछ सिर्फ मेरी मौत साबित करने के लिए किया गया था। अब इसके लिए दिनेश ने क्या किया, किसी को मारा या नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ मुंह मीठा करा दे, आज से तेरी पुरानी जिंदगी खत्म, नई जिंदगी शुरू, हमारी नई जिंदगी शुरू। आ चल। क्या बात, खुश नहीं हूँ? नहीं, बहुत खुश हूँ। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सचमुच प्यार करता था सर वो मुझसे, और मैं उससे। वो मेरा दर्द समझता था जो राजीव ने कभी नहीं समझा। आप रो क्यों रही हैं? मैं कहाँ रो रही हूँ? रो तो रही हैं आप अंदर से, पहले भी बैठी हैं आप रिक्शे पर 2 बार, तब भी रो रही थी।
बैठिए ना। अगर आप चाहें तो मैं आपको रोज लेने आ सकता हूँ और वापस छोड़ भी दूंगा। मैं रोज दिनेश से मिलती और धीरे धीरे उससे अपने सुख दुख बांटने लगी। ज्यादातर तो दुखी होते, सुख तो बस उसके साथ ही मिलता था। दिनेश मेरे दर्द को समझता था, मेरी बातें सुनता था। देखते देखते मुझे उससे प्यार हो गया। बहुत जल्द मुझे उसकी तरफ से भी प्यार नजर आने लगा, इतना प्यार जो मुझे जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। मुझे जिंदगी में कोई ऐसा मिला था जो सच में मेरा ख्याल रखता था। मुझे सच्चा प्यार मिला था सर। आंचल, तुम्हारा सच्चा प्यार खून में लिपटा है, किसी मासूम के खून में। सच सच बताना आंचल, इस वक्त दिनेश पन्नू कहाँ है? भटिंडा में। सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझने की कोशिश कर। अगर तू वहां गई तो पुलिस को पता चल जाएगा कि तू जिंदा है। पुलिस तो वैसे भी सब कुछ जानती है, आखिर राजीव भी तो पुलिस वाला है। तो फिर पुलिस को यह भी पता लग जाएगा कि तू इसलिए जिंदा है क्योंकि तेरी जगह कोई और मरी हुई पाई गई थी। दिनेश, मुझे इस वक्त अपनी बेटी राशि के अलावा और कुछ नहीं सूझा। 8 महीने हो गए और मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। देखो, मैं मम्मी जी, पापा जी और राशि से मिलकर लौट आऊंगी। कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। अरे कैसे कुछ नहीं होगा आंचल? तेरे माँ बाप, तेरी बच्ची, जलंधर की पुलिस सब समझते हैं कि तू मर चुकी है। राजीव पर इल्जाम लगाया, मुकदमा चल रहा है। बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा तू चली गई तो। और अगर मैं नहीं गई तो राजीव यहाँ पहुंच, और फिर हमारा ये घर, हमारी जिंदगी, तुम्हारे मेरे बीच जो कुछ भी है सब कुछ खत्म हो जाए। आचल, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम पर यकीन करूं तो तुम्हें बिना सवाल के वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूं। क्या करना होगा सर? दिनेश पन्नू को फोन लगाओ और उससे कहो कि वही हुआ जो तुम दोनों ने सोचा था। सबूतों की रोशनी में यह ब्लाइंड मर्डर केस अब ब्लाइंड नहीं रहा था। यह जाहिर हो चुका था कि इस संगीन जुर्म और साजिश का मास्टरमाइंड था रिक्शा चालक दिनेश पन्नू। लेकिन वो लाश किसकी थी, इस सच का खुलासा होना अभी बाकी था। लेकिन उससे पहले कुछ और ड्रामा होना भी बाकी था। हेलो दिनेश, तुम अब यहाँ वापस लौट आओ, हम यहीं रह सकते हैं। पागल हो गई है क्या? दिनेश, पुलिस ने वो केस क्लोज कर दिया है और राजीव मुझे तलाक देने के लिए तैयार हो गया है। राजीव पर तुम्हारे कत्ल का मुकदमा चल रहा है। हाँ, वो पुलिस ने खारिज कर दिया है, उन्हें राजीव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मैं सच कह रही हूँ, यहाँ किसी को हम में कोई दिलचस्पी नहीं। हम यही अपना घर बना लेंगे, मम्मी जी, पापा जी, राशि सब साथ होंगे तो सब सही होगा ना। तुम बस पहली बस लेकर यहाँ सीधे आ जाओ। हेलो, हेलो, हेलो दिनेश, दिनेश तुम सुन रहे हो ना? सर, दिनेश भटिंडा से रवाना हो चुका है, दोपहर 2 बजे तक जलंधर पहुंच जाएगा। आचल टच में उसके। आचल से कहो कि बराबर कांटेक्ट बनाए रखे, जलंधर पहुंचने से पहले हम उसे धर लेंगे। प्राइवेट बस में है सर। एक टीम राजनगर में रेडी रखो बस में चढ़ने के लिए, एक और टीम जलंधर बस अड्डे पर तैनात कर दो। सर, और सुनो, आचल से कहो कि फोन पर उसे बिजी रखे। मूव। हाँ चल, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। दिनेश, मैं तुम्हें जलंधर बस स्टैंड लेने आ रही हूँ। किस बस से आ रहे हो तुम? रिंकी टूर्स एंड ट्रेवल्स। दिनेश का फोटो तो होगा ना तेरे मोबाइल में? रिंकी टूर्स एंड ट्रेवल्स, तुम उस तरफ जाओ, जल्दी गाड़ी हटवाओ, फैल जाओ इधर। Thank you.
बस आ रही है। सब लोग अलर्ट, सब लोग अलर्ट। दिनेश पन्नू, जलंधर जा रहे हो? आप कौन? आंचल ने भेजा तुम्हें लेने, वो खुद नहीं आ सकती ना। आंचल कहाँ है? लॉकअप में, हमारे लॉकअप। आंचल? आंचल ने मदद की आप लोगों की मुझे पकड़वाने में? तुम्हारी करतूतों ने तुमको पकड़वाया दिनेश पन्नू, और ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि किसी का खून करके तुम आराम की जिंदगी गुजारोगे? सुनो आंचल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम अपने घर जाओ, सबसे मिलो, और वहां रहो अगर चाहो तो दो चार दिन, लेकिन उसके बाद राशि को लेकर यहां चले आना, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा एक बाप की तरह। कोई भी कितना भी पूछे ना, हमेशा एक ही जवाब देना कि मुझे नहीं पता था कि सब लोग यहां ये समझ रहे हैं कि मैं मर चुकी हूं। ठीक है, सिर्फ इतना कहना कि राजीव से तंग आकर मैं भाग गई थी, और कुछ मत बोलना, समझी? क्या बताया तूने सब लोगों को? हाँ, बोलना क्या बताया? तेरा खेल अब खत्म हो चुका है दिनेश पन्नू, क्योंकि तेरी टीम में फूट पड़ गई है। पर साहब ये तो बताइए, इसने क्या बताया मेरे बारे में? इसने हमसे बताया कि जिस दिन ये तेरे साथ भागी थी उसी दिन तूने इसका पिंक कलर का सूट पैक करवाया और अपने किसी दोस्त के हवाले कर दिया, जो बाद में हमें एक बिना सर की लाश के शरीर पर से मिला। इसने हमसे यह भी बताया कि तूने एक औरत का कत्ल किया, पर यह नहीं जानती वो औरत कौन थी। पर साहब इसे पता था किसे मारा गया? बोला चल, पता था कि नहीं पता था? बोला नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। साहब ये झूठ बोल रही है? तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम दोनों का प्यार ही झूठा है। लेकिन कोई गल नहीं, मैंने सच निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। अब तुम दोनों मिलकर यह तय कर लो कि बिना दर्द सहे सच बोलोगे या फिर दर्द में पिलपिलाते हुए सच बोलोगे। साहब न सिर्फ ये कत्ल के बारे में जानती है, बल्कि कत्ल इसी ने किया है, इसी ने उस औरत के खाने में जहर मिलाया। सब कुछ जानती है साहब ये, पर मुझे अकेले कोई फंसा रही है। ये गलत है, मैं कुछ नहीं जानती। तुम दोनों की तू तू मैं सुनने के लिए ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही कोई दिलचस्पी। अब जल्दी से तुम दोनों मुझे ये बताओ कि वो औरत कौन थी जिसका तुम दोनों ने कत्ल किया और उसके बाद उसका गला काटकर अलग कर दिया। सुन, आज रात को 8 बजे मिलते हैं हाई वाले ढाबे पे। ठीक है, ठीक है। आंचल तू कपड़े बदल ले और ये वाला सूट मुझे पैक करके दे दे। लेकिन है कौन वो औरत जो मेरे लिए अपनी जान देगी? तुम्हारा ये दोस्त कौन है और वो औरत कौन थी दिनेश? किस्मत बड़ी बकवास चीज होती है यार दिनेश। एक तरफ तू है जो अपने प्यार से मिलने के लिए तरस रहा है, और एक तरफ मैं हूँ जो अपनी औरत से पीछे छुड़ाना चाह रहा है। तारीख बताओगे? कौन सी तारीख पक्की की है हमारी शादी के लिए? क्यों, सिनेमा की टिकट खरीद रहा हूँ क्या जो कोई भी डेट चुनी और काट डाला? अरे शादी एक पेचीदा चीज होती है और लाइफ में एक ही बार करता है आदमी। और सुहागरात जो तुम रोज मनाते हो मेरे साथ, कभी सुबह कभी रात में, वो पेचीदा चीज नहीं है? तेरे लिए क्या नया है, तुझे तो आदत है ना। सही कहा तुमने, लेकिन मुझे इश्क करने की आदत नहीं है। कोटे पर जो लोग आते थे वो लोग पैसा देते थे, अपना काम करते थे और चले जाते थे। कोई मेरा दिल नहीं दुखाता था जैसे तुम दुखा रहे हो, कोई मुझे जलील नहीं करता था जैसे तुम जलील कर रहे हो। अरे मैं कोई जलील वलील नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पापा जी के सामने तुम्हें कैसे लेके जाऊँ।
क्या बोलूंगा मैं उनसे कि पापा जी ये गीता है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और हाँ पापा जी, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया आपको, ये जो गीता है ना, ये धंधे वाली रह चुकी है। ये बोलू मैं अपने माँ बाप को? तो कोठे से बाहर निकाल कर मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए? अच्छा, आज बड़ी याद आ रही है तुझे अपने कोठे की? कोठे की मैडम सही कहती थी दिनेश, चाहत और इश्क में बड़ा फर्क होता है। एक दिन मेरा दिल भर जाएगा। पहले हफ्ते में दो बार जाता था, तब तक ठीक था। जब से इसे घर लेकर आया हूँ तो सर चढ़ बैठी है। और ऊपर से क्या? ऊपर से क्या? वही जिसका डर था। क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ? गीता, तुम HIV पॉजिटिव हो। जब कोठे पर थी हमेशा सारी सावधानी लेती थी, हमें सिखाया जाता था, फिर भी पता नहीं ये सब कैसे हो गया। केवल तुम्हारी HIV टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव है। समझ में नहीं आता कि मैं खुशी मनाऊं कि मुझे बीमारी नहीं हुई है, या मैं शोक मनाऊं कि गीता दिन ब दिन मुझ पे बोझ बनती चली जा रही है। अरे इतने खर्चे, ऊपर से रोना धोना। देख केवल, मैं आंचल के बगैर नहीं रह सकता और तू गीता के साथ नहीं रह सकता, तो हम एक तीर से दो निशाने मार सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा दिनेश, क्या कहना चाह रहा है? गीता के आगे पीछे कोई नहीं था। अगर वो गायब हो जाती तो न कोई उसे पूछने वाला था और ना ही ढूंढने वाला। तो वो लाश जो हमें मिली, जिसके शरीर पर आंचल के कपड़े थे, वो गीता की थी? ये मिलाना होगा गीता के खाने में। आज रात को जब हम ढाबे पे मिलेंगे, कर लोगी ना? हम लोग जलंधर में शादी करेंगे गीता। मेरा दोस्त और उसकी बीवी हमारे साथ होंगे। कौन सा दोस्त? मैं कभी मिली हूँ उससे? नहीं, अभी मिलोगी ढाबे पर। हम लोग एक साथ खाना खाएंगे, फिर शादी करेंगे। मैं सिर्फ हम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मैं भी आज बहुत खुश हूँ गीता। सेगल पापा जी, जी गीता, पापा जी का फोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। मुझसे बात करना चाहते हैं? हाँ, अकेले में बात करते हैं। दिनेश आया, भाभी जी। हाँ पापा जी, जी जी, हाँ एक मिनट करा रहा हूँ। हेलो हेलो, एक मिनट मुझे दे, दिखा ना। हेलो, हाँ लगता है कट गया, पापा जी के फोन में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो खाना खा लेते हैं, बाद में बात कर लेंगे, है ना?
तो तुम दोनों को क्या लगा कितना बड़ा जुर्म करने के बाद तुम दोनों की जिंदगी बड़े हंसते खेलते गुजरेगी? अचल, तुम एक 6 साल की बच्ची की मां हो, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम जेल में जाओगी तो उस बच्ची का क्या होगा? मैं जेल में ही तो थी सर, और राजीव के साथ रहना उम्र कैद से कम नहीं था। फर्क है अचल, बहुत बड़ा फर्क है। तुम उस जेल से निकलने के लिए हमारे पास आ सकती थी, कानून की मदद ले सकती थी, राजीव से अलग हो सकती थी, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती थी। क्या हुआ जी? क्या सच में हमारी आंचल ने किसी की जान ली है? बोलिए ना। पापा, मम्मी कब आएगी? वो अब कभी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता बेटा। दिनेश पन्नू, आंचल और केवल तरार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए और धारा 120B के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस फ्रेम किए गए हैं। फिलहाल तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। आंचल के पिता पर भी आईपीसी की धारा 182 के तहत गलत इन्फॉर्मेशन और गलत आइडेंटिफिकेशन के चार्जेस लगाए गए हैं। आंचल के पति कांस्टेबल राजीव जोहल के खिलाफ सारे चार्जेस अदालत ने खारिज कर दिए हैं और उसका सस्पेंशन ऑर्डर भी रिवोक किया गया है। आंचल और राजीव की बेटी राशि की कस्टडी राजीव को मिल गई है और राजीव ने शराब डी एडिक्शन सेंटर में जाकर अपनी लत पर काबू पा लिया है। राशि अपनी माँ को बहुत मिस करती है, लेकिन इस केस की पूरी सच्चाई जानने के बाद वो शॉक में है कि उसकी माँ इतने भयंकर जुर्म में हिस्सा ले सकती है। पीड़ित गीता, जिसे जहर देकर मारा गया था, उसका कटा हुआ सर पुलिस कभी नहीं ढूंढ पाई और ना ही उसके किसी रिश्तेदार को ट्रेस कर पाई। जब एक शादी का रिश्ता एक लाइलाज घुटन का फंदा बन जाता है, तब बस और नहीं ये कहकर उसे तोड़ना और उससे अलग होना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह के क्राइम्स ऑफ पैशन हमें बार बार यही सीख देते हैं कि चाहे शादी ब्याह हो या फिर कोई प्रेम का रिश्ता, ये ऐसा कोई बोझ नहीं है जिसे हम जिंदगी भर अपने गले में लटका कर घूमें। रिश्ता तोड़ना कानून तोड़ने से बेहतर है। अलग होकर समाज में चंद दिनों के लिए अपने आप को रीएडजस्ट करना जिंदगी भर जेल में काटने से बेहतर है। किसी भी नई जिंदगी की शुरुआत या कोई भी नया रिश्ता किसी की लाश पर खड़े होकर नहीं बनाया जा सकता। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, बीते हुए वक्त पर रोने से बेहतर है कि आने वाले वक्त के लिए मेहनत की जाए। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।